हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। आज जो है हम एक करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होने वाली है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करेंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए जानते हैं, मैथिली ठाकुर को भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया है स्टेट आइकन, बिहार के मतदाताओं को करेंगी जागरूक। ये देखिए, यही है मैथिली ठाकुर और इन्हें जो है स्टेट आइकन बनाया गया है, ये बिहार के मतदाताओं को जागरूक करेंगी। इन्हें बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं इस न्यूज को। मैथिली ठाकुर को भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया स्टेट आइकन, बिहार के मतदाताओं को करेंगी जागरूक। यानी कि मैथिली ठाकुर को जो है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है स्टेट आइकन बनाया गया है। ये जो है बिहार के मतदाताओं यानी बिहार के वोटर्स को जागरूक करेंगे वोट के लिए। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड मैथिली ठाकुर ए स्टेट आइकन, सी विल मेक वोटर्स ऑफ बिहार अवेयर। ये जो है बिहार के वोटर्स को वोट के लिए जो है वोटिंग के लिए जो है अवेयर करेंगी। तो जानते हैं कि आखिर ये मैथिली ठाकुर है कौन, हु इज मैथिली ठाकुर। कौन है मैथिली ठाकुर जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार का जो है स्टेट आइकन बनाया गया है। तो मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस सिंगर हैं ये, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग भी जान लीजिए डिटेल में। तो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर है मैथिली ठाकुर जो है बिहार की लोक गायिका है, बिहार की बहुत ही फेमस लोक गायिका है मैथिली ठाकुर। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका, अभी बताए ही मैथिली ठाकुर जो है बिहार की लोक गायिका है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बिहार की फेमस लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज मेड बिहार फोक सिंगर मैथिली ठाकुर इट्स स्टेट आइकन। यानी लोक गायिका को हम लोग इंग्लिश में जो है फोक सिंगर कहते हैं। आप यहाँ से अपना इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लोक गायिका को हम लोग इंग्लिश में फोक सिंगर कहते हैं। फ्रेंड्स, तो मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। मैथिली ठाकुर विल कंडक्ट एन अवेयरनेस कैंपेन अमॉन्ग वोटर्स बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। यानी कि 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले मैथिली ठाकुर जो है अपना अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे वोटर्स के बीच में। यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वोटर्स के बीच यानी कि मतदाताओं के बीच एक जागरूकता अभियान चलाएंगी मैथिली ठाकुर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन से ईयर से, कौन से चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर जो है लोकसभा चुनाव में जो है अवेयरनेस फैलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे वोटर्स के बीच, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर जो है जागरूकता अभियान चलाएंगे अमॉन्ग वोटर्स। नेक्स्ट है, मैथिली ठाकुर का घर कहाँ है? तो मैथिली ठाकुर का घर जो है बिहार के मधुबनी जिले से है। बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखने वाली है मैथिली ठाकुर। यानी मैथिली ठाकुर बिलोंग्स टू मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मैथिली ठाकुर बिलोंग्स टू द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मतलब कि बिहार के मधुबनी जिले से मैथिली ठाकुर बिलोंग करती हैं। फ्रेंड्स, मधुबनी आप लोग जानते ही हैं, जहाँ का मधुबनी पेंटिंग फेमस हुआ था, जिसे GI टैग भी मिला है। तो मैथिली ठाकुर बचपन से ही लोकगीत गाती हैं। मैथिली ठाकुर जो है बचपन से ही लोकगीत गाया करती हैं। फ्रेंड्स, मैथिली ठाकुर सिंग्स फोक सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। यानी मैथिली ठाकुर जो है लोकगीत बचपन से ही गाती हैं। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। इस तरह की और भी छोटा वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की और भी वीडियो लेकर के आता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।